साथ लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समीक्षा बैठक करते नजर आते, मगर अब सवाल खड़ा हो रहा है और बिहार सरकार में जितने मंत्री हैं उन पर कि उनका शराब तस्करों के साथ साथ गांठ है, ये आरोप को कैसे देखते हैं विपक्ष के द्वारा? सबसे बड़ी देखिए हम किसी को देखिए हम लोग हैं निष्पक्ष, मेरी सरकार एकदम निष्पक्ष है, मेरी सरकार एकदम जो कहती है वो करती है, चाहे कितने भी बड़े लोग रहे सबका पर्दाफाश हो जाएगा। इसमें कहीं अगर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ कि जब मैं बोलती हूँ तो आप लोगों को दुख भी लगता है कि ये हम कहते हैं कि चौथा स्तंभ साफ सुथरा होना चाहिए, लेकिन चौथा स्तंभ साफ सुथरा रहता भी नहीं है। विपक्ष की बातों को क्या कहेंगे, विपक्ष अपना गिरवान झाके, जो हम लोग कहे हैं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं पूरा बिहार देख रहा है और आने वाले समय में और भी देखेगा। इसलिए इसके बारे में कोई चिंता की, जो सरकार हमारी है सबल सरकार है, मजबूत सरकार है, रहने वाली सरकार है, जो कहती है वो करती है। आपके विधायक है ज्ञानू जी, वो प्रदेश में सोकल नोटिस, वो तो उनका अपना मामला है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे तो कमी तो आई है। अब आप इतनी छोटी बात को इतना बड़ा करते हैं, बात को जब देखिए चौथा स्तंभ का मतलब है कि दोनों तरफ देख के काम करना चाहिए। आप जैसे आया और तुरंत बिना सोचे समझे तुरंत आप चला दिए, क्योंकि आपका मीडिया खूब दिखाई हाईलाइट करेगा, लेकिन जब उसके अंदर जाते हैं तो फिर चुप हो जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि चौथे स्तंभ पर पूरी दुनिया विश्वास करती है, चौथे स्तंभ को दोनों तरफ देख के फिर बात करनी चाहिए और तब उस पर एनालिसिस करना चाहिए। इसको एनालिसिस कीजिए, निश्चित रूप से कमी आई है। मामला है बिहार सरकार का, मामला नहीं है, हमारी इच्छा है, हम अपनी इच्छा को हम अपना व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो पॉलिसी है हम पॉलिसी के तो साथ में है ही, वो पॉलिसी के बाहर तो है नहीं, गठबंधन रहेगा बात रखते हैं मैम, वो उनका अपनी पर्सनल मामला है, पर्सनल मामला को तो हम गठबंधन में कैसे जोड़ेंगे, हम हमारे पॉलिसी में साथ है, हमारे पॉलिसी में एक साथ रहते हैं, अब उनका पर्सनल मामला को हम अलग कैसे कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से प्रदेश जो है आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, 1000 करोड़ की उन्होंने मांग की है, नहीं मिलने पर चमकने की भी बात कर रहे हैं, ये तो समय बताएगा, अभी जितना है उतना खत्म कीजिए। जातीय जनगणना को लेकर क्या सोचती है हम लोगों का स्पष्ट है, अब कुछ उसमें बोलना हम नहीं चाहेंगे। मैडम बिहार पुलिस मुख्यालय